अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए चंडीगढ़ में चुनावी रंग धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। इसी सिलसिले में बुधवार को पूर्व कांग्रेसी सांसद पवन कुमार बंसल ने भी चुनावी हलचल शुरू कर दी है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने चंडीगढ़ मिनोरिटी सेल का अध्यक्ष मोहम्मद अहमद को बनाया है। सेल का कार्यभार संभालने के अवसर पर पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने मोहम्मद अहमद को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रसन्नता जाहिर की और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अहमद का फूलों के हार डालकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि उन्हें खुशी है और उम्मीद है कि मोहम्मद अहमद जिम्मेदारी का निर्वाह दृढ़ता के साथ करेंगे। मोहम्मद अहमद अली जी को चंडीगढ़ माइनॉरिटी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके संबंध में उस तालुक में आज यहाँ माइनॉरिटी सेल की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने टेक ओवर किया है। वहीं उनसे पूछे गए प्रश्न के जवाब पर बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नतीजे शून्य ही हैं। यहां तक कि 4 सालों के बाद भी चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के लिए जमीन तक निर्धारित नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का चंडीगढ़ में बिल्कुल मखौल उड़ाया गया है। अभी तक नहीं और अभी तक ट्रांसफर भी नहीं किया, कुछ नहीं चंडीगढ़ में उसके नाम की कोई।